हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के हिंदी के आरोह का चैप्टर 7 रजनी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। फ्रेंड्स, आरोह के जितने भी लेखक लेखिका हैं उन सभी की जानकारी मैं एक वीडियो में कवर कर लूँगा, जिसमें हम सभी लेखकों की रचनाएं, उनका जन्मतिथि सब कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के पाठ के पूरे सार को हम अच्छी तरह से समझते हैं। यह जो पाठ है वह एक पटकथा है। पटकथा रजनी का प्रारंभ एक मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट के कमरे से शुरू होता है। घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है, रजनी भीतर आती है। रजनी लीला से पूछती है, बाजार नहीं चलना क्या? लीला, चलना तो था परंतु अमित अपना रिजल्ट लेकर आता ही होगा। रजनी कहती है, ठीक है फिर तो मिठाई खाकर ही जाऊंगी। लीला कहने लगी, मैंने पहले से ही रसमलाई लेकर रखी है। इतने में अमित आता है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके गणित में नंबर कम आए हैं क्योंकि उसे गणित की ट्यूशन नहीं लगाई गई थी, गणित वाले मास्टर ने उसके नंबर काट लिए। लीला कहती है, तू पेपर तो बिल्कुल ठीक से करके आया था, फिर इतने नंबर क्यों कम दिए मास्टर जी ने? रजनी रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर सभी विषयों के नंबर को देखती है, केवल गणित में ही 72 अंक आए हैं, से सभी विषयों में अच्छे मार्क्स आए हैं। रजनी अमित के आंसू पोंछती है, पिछले अंक पूछती है, मतलब लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसके कितने मार्क्स आए थे। मास्टर जी की ट्यूशन के बारे में पूछती है। अमित पुनः रोने लगता है, मतलब फिर से वह रोने लगता है। रजनी उसे डांटते हुए कहती है, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रजनी उसके मास्टर के पास जाकर बात करने की सोचती है। अमित डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ आंटी आप स्कूल मत जाइए, अगले साल सर और ज़्यादा परेशान करेंगे। रजनी अगले ही दिन हेडमास्टर के पास जाती है, अमित की गणित की कॉपी देखने का आग्रह करती है। हेडमास्टर ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियां ना दिखाने का नियम बताते हैं। रजनी उनसे फिर रिक्वेस्ट करती है, हेडमास्टर कहता है, आप बहस करके अपना समय भी और मेरा समय भी बेकार कर रही हैं। रजनी कहती है कि आपके विद्यालय में आपके अध्यापकों द्वारा बच्चों को जोर जबरदस्ती करके ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहते हैं, यह कौन सा नियम है? हेडमास्टर कहता है, यह टीचर्स व स्टूडेंट का आपसी मामला है। रजनी अपना पूरा प्रयत्न करती है कि हेडमास्टर जी कुछ समझ जाएं, परंतु सब व्यर्थ ही जाता है। वह घर वापस आ जाती है, नए दृश्य का प्रारंभ होता है, अब नया सीन आता है। एक रजनी का पति रजनी से पूछता है कि तुम आज बाहर गई थी क्या? रजनी उसे स्कूल की सारी बात बताती है, उसका पति नाराज़गी जाहिर करता है। रजनी कहती है कि गलती करने वाला तो गुनहगार है, पर बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं है। रजनी शिक्षा निर्देशक के पास जाने के लिए सोचती है कि वहाँ जाकर शायद समस्या का समाधान हो सके। वहाँ जाती है, चपरासी को एक स्लिप देती है, परंतु चपरासी उसकी स्लिप कमरे में शिक्षा निर्देशक को देता ही नहीं। जितने लोग बाद में आते हैं स्लिप के नीचे 500 रुपये देकर अंदर चले जाते हैं। रजनी यह सब देखती है और कुछ समय बाद सीधी शिक्षा निदेशक के कमरे में घुस जाती है और रजनी शिक्षा निर्देशक के पास जाकर कुछ एक प्रश्न के पूछने के बाद उनसे पूछती है, स्कूलों में आजकल जो प्राइवेट ट्यूशंस का सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का धंधा बना हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या कहता है? निदेशक कहते हैं कि इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी बच्चा कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। इतने में रजनी अमित की सारी बात बताती है। निदेशक कहते हैं कि इसमें हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर्स के खिलाफ, क्योंकि हमारे पास आपके सिवा किसी अन्य अभिभावक की इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आई है। रजनी कहती है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर लगा कर ही रहूँगी। रजनी अभिभावकों को एकत्र करती है, किसी अखबार के दफ्तर में जाती है, साथ में 3-4 महिलाओं को भी ले जाती है। रजनी उस अखबार के संपादक से मिलती है,
और सारी समस्याएं बताती है और उनका साथ लेने का आग्रह करती है। रजनी कहती है कि अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, वह बात पूरे समाज पूरे सबकी बन जाती है। संपादक महोदय उसकी बात मान जाते हैं। वे कहते हैं, अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है, एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके PTI के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी कहती है कि राइटअप के साथ यह सूचना भी दे दीजिएगा कि 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की मीटिंग रख रहे हैं तो सब लोग तक खबर पहुँच जाए। 25 तारीख आती है, मीटिंग शुरू हो जाती है, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। रजनी कहती है, भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश बता रहा है कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं, कुछ अभी यहाँ आप लोगों ने भी सुने। यह भी समझ में आया है कि बहुत से बच्चों को ट्यूशन्स भी ज़रूरी है, इसलिए हम अब अपनी समस्याओं से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं देगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने का, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। नियम तोड़ने वाले टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सब लोग अपनी राय दीजिए और सब लोग अपनी राय देते हैं और मीटिंग समाप्त होती है। बोर्ड के पास यह फैसला ही जाता है। अगला सीन ऐसा होता है कि रजनी का पति कहता है, रजनी ओ रजनी सुनो तो, तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। रजनी को बहुत प्रसन्नता होती है। वह कहती है, मैं तो कहती ही हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सकती हैं। ऐसा कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सकती हैं। रजनी के पति कहते हैं उससे, आई प्राउड ऑफ यू रजनी। इतने में लीला बहन, कांति भाई और अमित रजनी के घर आते हैं। कहते हैं कि उस दिन तुम्हारी रसमलाई रह गई थी, वह आज खाओ। कांति भाई कहते हैं कि सबके हिस्से की रसमलाई अब तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथों से रसमलाई खिलाने आता है। रजनी चम्मच उसी के साइड कर देती है और उसी को रसमलाई खिला देती है। सब जोर जोर से हंसते हैं। हंसी के साथ साथ दृश्य पूरी तरह समाप्त होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।